दोस्तों टीवी इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो आज भी टीवी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी हैं, तो कुछ अभिनेत्रियां साउथ की ओर रुख कर चुकी हैं और वो टॉलीवुड इंडस्ट्री का भी जाना माना नाम है। इन चाइल्ड एक्ट्रेसेस ने भले ही अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की हो, लेकिन ये सब एक्ट्रेसेस काफी बड़ी हो चुकी हैं और बढ़ती उम्र के साथ साथ पहले से ज्यादा खूबसूरत और समझदार भी हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी का। हंसिका मोटवानी का किरदार सबको याद होगा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही पॉपुलर शो शाका लाका बुम बुम से की थी और इसमें इन्होंने करुणा का किरदार निभाया था और घर घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल की। हंसिका ने इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे कि देश में निकला होगा चांद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, करिश्मा का करिश्मा जैसे शोज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। साथ ही इन्होंने कोई मिल गया फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा के साथ भी काम किया। उसके बाद इन्होंने अपने स्टडीज पर फोकस करने के लिए टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इसके बाद 2007 में आई फिल्म आपका शुरू से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें कि आज हंसिका मोटवानी 28 साल की हो चुकी हैं और काफी ज्यादा ग्लैमरस भी दिखती हैं। साथ ही अब हंसिका मोटवानी साउथ फिल्मों का जाना माना नाम बन चुकी हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बालिका वधू की छोटी सी आनंदी। इस शो से अविका गौर ने घर घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। शो बालिका वधू के बाद अविका गौर ने टीवी सीरियल ससुराल सीमर का में रोली का किरदार निभाया। इसके अलावा नाना देश लाडो में उनके एक्टिंग को घर घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। आपको बता दें कि अविका गौर 23 की हो चुकी हैं और बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती हैं। तो वहीं ये छोटी सी आनंदी अब साउथ फिल्म का जाना माना नाम है। इसके अलावा अविका गौर ने तेज मॉर्निंग वॉक और पाठशाला जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है कलर्स टीवी के सीरियल उतरन में छोटी इच्छा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्पर्श खानचंदानी का। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में की। आपको बता दें कि स्पर्श अब 19 साल की हो चुकी हैं और बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड फिल्म हिचकी में भी काम किया है, तो वहीं डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है एक्ट्रेस अश्नूर कौर का। दोस्तों अश्नूर कौर ने अपनी करियर की शुरुआत काफी छोटी उम्र में ही शुरू कर दी थी। जी हाँ, अश्नूर कौर ने 5 साल की उम्र में साल 2009 में झांसी की रानी सीरीज में काम किया। इसके बाद अश्नूर कौर ने कलर्स टीवी की सुपरहिट शो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में नाविका व्यास का रोल निभाया और इस रोल में उनकी मासूमियत ने सबको अपना दीवाना बना लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नारा सिंघानिया जैसे कई और बेहतरीन किरदार निभाए। इसके अलावा अश्नूर कौर ने अनुराग कश्यप की फिल्म मन मर्जिया में तापसी पन्नू की बहन का किरदार भी बखूबी निभाया। फिलहाल 2018 से अश्नूर कौर सोनी टीवी के शो पटियाला वेब्स में मिनी खुराना के रोल में नजर आती हैं। आपको बता दें कि छोटी सी अश्नूर कौर 16 साल की हो चुकी हैं और टीवी का पॉपुलर नाम भी बन चुकी हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है जन्नत जुबैर रहमानी का। आपको बता दें कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले जन्नत जुबैर कई हिट टीवी शोज में जैसे कि तू आशिकी, एक थी नायिका, भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप जैसे शोज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुकी हैं। लेकिन अब जन्नत 18 साल की हो चुकी हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिखती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके ग्लैमरस तस्वीरों के सभी फैन हैं। भले ही जन्नत टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली हो, लेकिन जन्नत जुबैर आए दिन अपने म्यूजिक एल्बम से सभी का दिल जीत लेती हैं। बता दें कि जन्नत ने हिचकी फिल्म में भी काम किया है। तो दोस्तों इनमें से कौन है आपके सबसे फेवरेट स्टार, आप कमेंट्स कर जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।